हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आपने सुना ही होगा हेल्थ इज वेल्थ, मतलब स्वास्थ्य ही धन है। दोस्तों आपने पहले के ज़माने में देखा होगा कि लोग 100 साल जीते थे, और पुराणों में सुना होगा लोग 1000 साल जीते थे, और एक समय ऐसा भी था जब लोग इच्छा मृत्यु का वरदान भी पाते थे। तो अभी ये सब तो इतिहास की बातें हैं, लेकिन वर्तमान समय में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता पर रखते हैं, और स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए वो किसी चीज़ से समझौता नहीं करते। तो ऐसे ही एक सज्जन महापुरुष हमारे बीच में आज हैं, श्री चरण प्रताप सिंह जी, जिनका अनुभव और जिनसे लाभ लेने का आज हमारा दिन है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि इनकी अच्छी सेहत का राज क्या है। बाबू साहब, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र इस वक्त सर 80वां चल रहा है मेरा, 80 साल हो गए हैं। तो बाबू साहब, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी अच्छी सेहत का राज क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद, संक्षिप्त शब्दों में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे प्रथम मैं कहना चाहूँगा कि हर चीज़ों की आपकी पैचुअलिटी होना चाहिए। जिस व्यक्ति का उठना सोना डेली वर्क खाना पीना वर्क कम कहीं डिस्टर्बेंस हो जाए दैट्स अनदर थिंग, मगर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम के हिसाब से, क्योंकि हमारी बॉडी जो है उसी हिसाब से डिमांड करती है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और इस टाइम को आज तक मान्यवर ओझा जी जानते हैं, मेरा जीवन बहुत ही व्यस्त रहा, मगर व्यस्त जीवन में मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि मैं खाली नहीं हूँ। नो, आई दैट लाइक, समझे? तो सबसे पहले एक सेकंड बाद, सबसे पहले बहुत प्रातः काल का उठना, आज की तारीख तक 4 बजे के बाद मैंने जाना नहीं कहीं। बचपना 11 साल का बता रहा हूँ, उसके लिए मेरी स्वर्गीय माता जी, बहुत ही मैं उनका आभारी, पिता माता से कौन नहीं होता, उर्ण नहीं होता। उन्होंने शुरू से मुझको आदत डाली थी, ताला हाउस स्टेट्स मैंने अपने पहले पर्चे में बताया रहता था, वहाँ से उठाया। घर देहात पे आता था तो मुझे बचपना याद है, भागता में उनकी याद आ रही है। रहती थी तो कहती थी बगल में कुत्ता लोग रहते थे, कहन उठो 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 ढेकली चल रही है। गया दिन कुट्टी वाला तहाँ उठा सनाई धो तहाँ भैया, कभी नहीं। फिर ऐसे बीज बोया था, कुछ बड़ा हो गया था। उसके बाद फिर मुझे शिक्षा में TD कॉलेज जाना पड़ा, तिलकधारी महाविद्यालय। वहाँ पर शुरू से ही, प्रारंभ से ही स्पोर्ट्स वगैरह में था, मिडिल क्लास थर्ड क्लास का स्पोर्ट्समैन था, मगर वो विद्यालय इतना वो था, वहाँ वो हमें रास्ता मिला, वो प्रेरणा मिली। वहाँ पर 4 बजे मैं स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस के लिए उठने लगा। आपने हमसे निवेदन किया स्वास्थ्य के लिए, फिर देखिए राज मोरा पूरा जीवन स्पोर्ट्स वगैरह का रहा, और उसके बाद वहाँ से इतना डेवलपमेंट मुझे हुआ। तो उस वक्त तिलकधारी महाविद्यालय ये गोरखपुर से अपलेटेड था, जिसमें 40 कॉलेज थे, यूनिवर्सिटी सेल्फ थी। उसके स्पोर्ट्स के उसमें मुझे 3 साल तक, जब तक वहाँ छात्र रहा, मुझे इंडिविजुअल चैंपियनशिप प्राप्त हुई। वाह भाई वाह। और रिकॉर्ड 200 साल तक तो मैं जानता तो नहीं मेरे ब्रेक हुए थे। और आप देखें, मैं ओझा जी को दिखा रहा हूँ, ये देखिए राजपाल इंडिविजुअल चैंपियनशिप के प्रमाण पत्र देकर हमसे मिल रहे हैं। अच्छा, ये आप छोटे से जो है आप है, ये BA के मैं स्टूडेंट था। अच्छा, BA का। वाह, विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड सारे ब्रेक किए थे। अरे वाह भाई वाह। तो दोस्तों देख रहे हैं आपको किस महापुरुष से हम आज आपको मिला रहे हैं, कि बाबू साहब ये किस सन की तस्वीर है? ये 63 से 65 समझे। देखिए 65 की तस्वीर है, और ये जो बच्चा आपको दिख रहा है, ये युवा जो दिख रहा है, ये खुद ये है, और उस समय राज्यपाल के द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। तो आज जिसको आप चैनल पर देख रहे हैं, कोई आम आदमी इनको मत समझिएगा, बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल हैं। आप देखें कि फिजिक की साइज बता दें, 32 मेरा चेस्ट था, और स्पेंड करने फुलाने पे 34-36 हुआ करता था। वाह भाई वाह। आज हमारे गुरु बाबा रामदेव कहते हैं कि 1.5 मिनट रोको, तब तो शायद मैं 2.5 मिनट रोकता, 1.5 मिनट तब भी मैं रोकता। तो ये स्पोर्ट्स वगैरह वहाँ चलता रहा, उसके बाद हरदम चलता रहा, मगर यहाँ पर घर पर मैंने आया, मैं अब बताने चल रहा हूँ योग से आपको स्वास्थ्य कितना लाभ होगा, मुझको कितना है। हाँ, बाबू साहब ये जो राज्यपाल है इनका नाम बता दीजिए आप। इनका नाम है माननीय श्री विश्वनाथ। अच्छा हाँ, प्रताप है क्या है, नहीं है विश्वनाथ,
लगा फोटो हमको विश्वनाथ प्रसाद फोटो हमको दे दिया गया है इसमें, अब आप आगे बताइए। तो उसके बाद मेरा जीवन यहाँ चलता रहा, खेती, राजनीतिक जीवन, शिक्षा का जगत, खेती बाड़ी करना, सारी चीज़ें करना। तब तक मैं व्यायाम वगैरह करता था, इंग्लिश इंडियन सब करता था, छोड़ा नहीं था उस व्यस्त जीवन में भी। और अब देखें क्या बीमारियों का तौर क्या, प्रेरणा क्या मिलती गई मुझे। सबसे पहले 65-95 अथराइटिस, जिसको गठुआ कहते हैं, शुरू हुआ। तो मोटे दिमाग से मैंने सोचा कि मैं बहुत ही वेट लिफ्टिंग वगैरह करता था, वजन उठाता था, उसी सब का है। अच्छा। अब वो बढ़ते चला गया। आप ध्यान देंगे आपके लिए बहुत कारगर होगा मेरा बताया हुआ। अच्छा। तो उसके बाद मैं दवा करना शुरू किया, बड़ी ऊंची ऊंची दवाएं यहाँ से लखनऊ के डॉक्टर धवन वगैरह मेरे पी डॉक्टर थे, MD। अब कोई उसको मुझको रिलीफ नहीं हुआ। साधारण से शुरू हुआ, मैं पहुँच गया इस स्तर पर 98 में कि न पैंट पहन पाता था, न बुशर्ट उठा के पहन पाता था, कुछ नहीं। मगर आप एक चीज़ और ध्यान दें, मेरा खान पान इस वक्त के हिसाब से बड़ा दूषित था। अच्छा। मेरा परिवार छत्री का है और मांसाहारी का बड़ा प्रिय है, मैं भी उस दोष का दोषी हूँ। अच्छा। हफ्ते में 5 दिन तक मांस खाया करता था मैं। अच्छा। और यही एलोपैथिक खूब दवा करता था। 98 की बात बता रहे हैं। हाँ, 98 की। और उसके बाद खूब मसाला यही गोश्त खाता था, तो कोबाटेक्स और क्या नाम बूटा प्रोक्स तमाम यही दवा सब खाता था, कोई फायदा नहीं। हालत ये हुई कि कमोड मेरे पास था नहीं, लेटरिन जाने में बड़ी तकलीफ। और उसके बाद पूरी बदन जो थी, धीरे धीरे जब अच्छा होना होता तो एक चीज़ जान ले प्रभु दया करते हैं, वो मिलती जाती है, मगर उसके साथ आप तो उसका अनुकरण कीजिए। तो मुझे मालूम हुआ बाबा रामदेव के बारे में, प्राणायाम के बारे में पढ़ा, तो मैं जान गया बाबा रामदेव तो एक हैं, माध्यम हैं, ये तो हजारों वर्ष अपने देश की पाताल है, आप सब जानते हैं, उसको छोड़िए। मैंने तब एक से शुरू किया, आप देखें एक से शुरू करने मतलब 2001 से मैंने प्राणायाम शुरू किया, 20वां साल मेरा चल रहा है। अच्छा अच्छा। मगर आप देखें कि डिस रेगुलरिटी मैंने बताया कि जीवन के घातक होती है, वो मैंने आने नहीं दिया। आज भी मैं सुबह प्रातःकाल 1.5 घंटा और अब तो शाम को भी करने लगा जब से कोरोना फैला है। अच्छा। ये 1/2-1/4 घंटा शाम को भी करता हूँ। अब इसको देखें, खान पान में भी बहुत बड़ा परिवर्तन, मांस वगैरह तो सवाल नहीं, मसाला रिच का सवाल नहीं है। उसके साथ मैं अपने परिवार का पूरा मानी हूँ, अपने धर्मपत्नी, हमारी बहुएँ, हमारा पूरा परिवार 3-4 बच्चों का है, ये सब मेरे टेस्ट का। वो लोग भी ऐसे ही खाते हैं, अलग बना लेते हैं कोफ्ता वोफ्ता, उसके लिए मुझे कोई आलोचना नहीं। तो अब आप देखें कि मेरा अथराइटिस शून्य पे हो गया, मैं बाबा रामदेव के बारे में बता रहा हूँ। ब्लड प्रेशर का भयंकर मरीज था, सरोज नर्सिंग होम में गिर गया था, उसी वक्त से शुरू हुआ। नहीं, डॉक्टर धवन की दवा खाता रहा बराबर, कुछ नहीं, ये दवा खाएं तो नॉर्मल रहे, कहीं कुछ नहीं होता था। उसके बाद मेरी आई साइट भी कोई मोतिया बिंद हुआ, टाइम बहुत लग गया क्या? हाँ, तो वो उसकी दवा की। उसी वक्त यहाँ एक अच्छे डॉक्टर हैं, सरस्वती आई केयर रसा वगैरह सो आए हैं, तो उन्होंने बताया कि मार साहब ऐसा है कि अब जीरो से मोतिया बिंद स्टार्ट हो रहा है। मुझे ताजुब है, आपकी उम्र 60-62 हो गई। अरे हम गए सर 68 चल रहा है मेरा, तो उनको ताजुब हुआ, कहें कोई दवा डालते हैं। देखिए यहाँ के डॉक्टर का कन्फ्यूज़न, तो हम कहे आपको विश्वास नहीं होगा, आप विज्ञान के आदमी हैं, मैं जो दवा डालता हूँ अब आप जान लीजिए। कहें ना बोलिए क्या, कौन सी दवा है? हम कहे योगा इज ऑल्सो मेडिकल साइंस, ब्रीदिंग साइंस, मैं वही करता हूँ। तो अच्छा अच्छा करके कहा 2 साल बाद आप इसका ऑपरेशन होती है, अब इनका करा लीजिए। तो मेरे लड़के साथ गए, बड़ा स्नेह देते हैं, आप जबरदस्ती करने लगे। 2 साल तक मैं लिंगर करता रहा, फील मैं ये करता था कि मेरी आई साइट में कोई डिफेक्ट नहीं, चश्मा साला यूं ही पड़ा रहता है। तो ले गए मुझे जबरदस्ती। अब आप देखें, आपको प्रेरणा मिलेगी, आप क्या सोचेंगे कि आँख को भी प्राणायाम फायदा करता है? अरे प्राणायाम नाखून के यहाँ सर पैर के नाखून से लेके बाल के सिर के बाल तक को फायदा करता है। पूरी जांच होने के बाद जब आँख के डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने कहा, देखा फाइल थी उनके यहाँ पहले की भी, तो वो खुद बड़े डाउट में थे, तो उन्होंने कहा मार साहब हम करें क्या। तो दोस्तों देखा आपने कि हमारे बाबू साहब की सेहत का राज अगर कम शब्दों में देखें तो नियमितता, योगा, प्राणायाम। और एक चीज़ जो मैं इनको एक चीज़ जो समझ रहा हूँ कि 98 में ये उस हालत में पहुँच गए सर, 98 आज के 22 साल पहले,
वे उस हालत में पहुंच गए थे कि चलने फिरने इनको नित्य क्रिया करने में दिक्कत होती थी। आज ये अपने दृढ़ संकल्प और अपनी आदतों, अच्छी आदतों की वजह से, देखिए मैं तो कह रहा हूँ, अच्छे अच्छे युवा जो आए इनसे कुश्ती में नहीं जीत सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।